हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए फिंगर्स के न्यूली लॉन्च पार्टी स्पीकर की वीडियो। मॉडल नंबर है रोलिंग पार्टीज 110 एंड दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 14,000 रुपीज। अगर आपको ये मॉडल को परचेस करना होगा तो आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, मतलब कि आपको ये पीसी मीडिया पे 14,000 का देखने को मिलेगा। अगर आप इसे ई कॉमर्स साइट यानी कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर देखें तो ये मॉडल का अभी करंट प्राइस चल रहा है 16,000 से 17,000 के बीच में। सो मेरे हिसाब से पीसी मीडिया से बाय करने में आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सो गाइस आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, इसके डिजाइन को डिटेल में देखेंगे, साथ में इसकी ऑडियो क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार 15,000 की रेंज में क्या ये बेस्ट पार्टी स्पीकर है या नहीं है। एंड गाइस एक चीज और बता देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमने इस मॉडल को खुद परचेस करा है। सो जो हमारा लाइव एक्सपीरियंस होगा वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। बस आप लोगों से यही कहूंगा कि यार सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसे अनबॉक्स करने से पहले हम बॉक्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों देखिए हमें बॉक्स पर मॉडल का डिजाइन बना हुआ मिल जाता है, साथ में हमें मॉडल नंबर भी मेंशन करा हुआ मिल जाता है, रोलिंग पार्टीज 110 मल्टीमीडिया स्पीकर। दोस्तों बॉक्स के नीचे से देखिए हमें फीचर्स के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है। इस पर हमें 110 वॉट का साउंड आउटपुट मिल जाता है, मॉडल नंबर भी 110 है एंड इसका साउंड आउटपुट भी 110 वॉट का है। 8 आवर्स का प्ले ऑन टाइम हमें मिल जाएगा एंड इस पर हमें RGB लाइट्स मिल जाती है। 6 प्रीसेट मोड्स मिलते हैं, मतलब कि 6 पैटर्न हमें मिल जाते हैं, साथ में हमें बेस एंड ट्रेवल कंट्रोल भी मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी हमें थोड़े फीचर्स के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है, जैसे कि इस पर हमें रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, 2 वायरलेस माइक भी मिल जाते हैं बॉक्स के अंदर, इजी टू कैरी, स्मूथ व्हील्स एंड कंफर्टेबल ग्रिप हैंडल, ये भी हमें मतलब व्हील्स भी मिल जाते हैं एंड हैंडल भी मिल जाता है स्पीकर पे। बेस एंड ट्रेवल कंट्रोल मिल जाता है, 8 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, RGB लाइट्स मिल जाती है, ये बताई चुका हूं मैं आपको, 110 वॉट का साउंड आउटपुट मिल जाता है, बिल्ट इन एम्पलीफायर हमें मिलता है। इस पर गाइज हमें गिटार को कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, माइक इको कंट्रोल भी हमें मिलते हैं, माइक प्रायोरिटी फंक्शन भी हमें इस पर मिलता है, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, माइक्रो SD, FM रेडियो, माइक पोर्ट, गिटार इनपुट, ये सारी कनेक्टिविटी हमें इस स्पीकर पर मिल जाती है। TWS को भी गाइज ये सपोर्ट करता है, यानी कि एक और स्पीकर सेम आप वायरलेस पे इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। 4 माइक्स कैन बी प्लेड, मतलब कि आप 4 माइक्स इसके साथ प्ले कर सकते हैं, 2 बंडल में मिल जाते हैं यानी कि बॉक्स के अंदर मिलते हैं एंड 2 आपको अलग से परचेस करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड फीचर भी गाइज इस पर है, अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। साथ में गाइज माइक्रोफोन के टेक स्पेक्स यहां पर दे रखे हैं, जैसे कि ये यूनिडायरेक्शनल वी बैंड माइक है, ट्रांसमिशन डिस्टेंस जो है इसकी 25 मीटर तक की है एंड इसका जो प्ले ऑन टाइम है माइक का 10 आवर्स तक का है। चलिए गाइज अब अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। गाइज बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, सबसे पहले मैं आपको बॉक्स कंटेंट को डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए हमें क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है, रिमोट कंट्रोल भी हमें मिल जाता है, डिसेंट सी क्वालिटी का है वैसे ये, आगे रिमोट कंट्रोल से भी थोड़ा ऑपरेट करके दिखा देंगे स्पीकर को। पावर कॉर्ड मिल जाती है स्पीकर को चार्ज करने के लिए, ऑक्स केबल भी हमें मिलती है। दोस्तों इस पर हमें 2 UHF माइक मिल जाते हैं, क्वालिटी काफी तगड़ी हमें मिल जाती है, आगे टेस्टिंग आपको डिटेल में करा देंगे, मतलब ये चीज तो काफी बढ़िया लग रही है यार, माइक क्वालिटी काफी बढ़िया दे रखी है। थोड़ा और क्लोज से दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए एंड ये वायरलेस पे है। दोस्तों माइक के लिए हमें बैटरीज भी मिल जाती है, ये ड्यूरोसेल के हमें बैटरीज देखने को मिलती है इसमें, साथ में हमें रिमोट कंट्रोल के लिए भी बैटरीज मिल जाती है। चलिए गाइस अब हम आपको स्पीकर को डिटेल में दिखाते हैं। सो सबसे पहले यार आप इसके साइज को देखिए, मतलब ये काफी बड़ा साइज का स्पीकर है, देख के फील आ रहा है कि यार एक पार्टी स्पीकर है ये। एंड इस पर ना गाइज हमें जो सामने की तरफ से लाइट इफेक्ट मिलता है ये काफी कमाल का मिलता है। सो सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ एंड जो लाइट इफेक्ट है वो चीज देखिए आप इसकी। तो देखिए गाइस हमने इसे ऑन कर दिया है एंड जो लाइट इफेक्ट है कितना कमाल का हमें मिल रहा है, मतलब कि गाइस आज तक हमने जितने भी पार्टी स्पीकर रिव्यू कर रहे हैं चाहे अनबॉक्स कर रहे हैं, इसका जो लाइट पैटर्न है साथ में इफेक्ट जो है ये सबसे अलग हमें देखने को मिला है। मैक्सिमम आपने भी देखें कि यार पार्टी लाइट्स हमें साइड से देखने को मिलती है, बीच में देखने को मिलती है, बट इस तरीके का इफेक्ट
हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला है एंड ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आप लोगों को इसका डिजाइन ओवरऑल कैसा लग रहा है। मुझे तो थोड़ा सा यूनिक लगा है। गाइस सबसे पहले अगर हम स्पीकर की वेट की बात करें तो इसका जो वेट है ना ये 13.8 केजी का है। सो स्पीकर वेटेड तो काफी ज्यादा है। साइज देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा। अब इसके डायमेंशंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हाइट है इसकी गाइस 34 इंचेस की। अब सामने की साइड को मेजरमेंट कर लेते हैं। सामने की साइड से है ये 13 इंचेस। अब साइड से भी नाप लेते हैं। यह है देखिए प्रॉपर 1 फिट। तो देखिए सारे कंट्रोल बटन हमें टॉप पर ही मिल जाते हैं, पोर्ट्स भी टॉप पर ही मिलते हैं। तो मैं सब चीज़ों को आपको डिटेल पे बताता हूँ। देखिए पीछे से हमें हैंडल मिल जाता है टॉप पर ही स्पीकर को होल्ड करने के लिए। एंड इसके बाद देखिए हमें पोर्ट्स मिल जाते हैं सारे। हमें TF कार्ड स्लॉट मिल जाता है, USB पोर्ट मिलता है, ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, गिटार को कनेक्ट करने के लिए भी पोर्ट हमें अलग से मिलता है। साथ में हम 2 वायर्ड वाले माइक भी इस पर कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए चार्जिंग के लिए इंडिकेटर हमें मिल जाता है, ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। इसके बाद दोस्तों हमें 2 नोब और मिल जाती हैं। पहले वाले से हम गिटार की वॉल्यूम का एडजस्ट कर पाएंगे, दूसरे वाली नोब हमारी माइक डिले का काम करेगी। एंड देखिए यहाँ से हम एको को एडजस्ट कर सकते हैं एंड माइक वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही माइक की वॉल्यूम को हम एडजस्ट कर रहे हैं तो ये जो हमें ब्लू कलर की लाइट मिल रही है ये पूरी ब्लिंक कर रही है, तो ये देखने में काफ़ी बढ़िया एम्बियंस क्रिएट कर रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यार इस पर हमें टॉप माइक की कितनी लेवल की वॉल्यूम मिल जाती है। इस पर देखिए माइक की हमें 32 लेवल की पॉइंट्स मिल जाते हैं। एको को भी देख लेते हैं, एको को हम 16 तक के पॉइंट तक एडजस्ट कर पाएंगे। एंड बीच में देखिए हमें बहुत बड़ी नोब इस पर मिल जाती है जिससे हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर पाएंगे। एंड गाइस एक खास बात और है ना सर, थोड़ा सा पीछे से दिखाइएगा, ये जो लाइट पैटर्न है ये भी इंक्रीज होगा, देखिएगा आप जितनी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ये देखिए ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। साथ में हमें इस पर टॉप 32 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। इस साइड पर गाइज हमें ट्रेबल एंड बेस के लिए नोब मिल जाती है। सो हम सबसे पहले ट्रेबल को देख लेते हैं। देखिए ट्रेबल को हम 9 से -9 तक एडजस्ट कर पाएंगे। अब बेस को भी देख लेते हैं, बेस को भी हम 9 से -9 तक एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। सबसे पहला बटन है मोड के लिए, यहाँ पर हम मोड को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि अब ये ब्लूटूथ मोड में है, अब ये ऑक्स मोड में आ गया, अब FM मोड आ गया है। यहाँ पे से गाइज हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप सिंगिंग करते हैं तो अपनी वॉइस को आप रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। साथ में हमें प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के बटन मिल जाते हैं। गाइज ये बटन से 2 चीज वर्क करेंगी, पहला है माइक पेयर, दूसरा है रिपीट। एंड इसके जस्ट बगल में हमें पैटर्न्स को चेंज करने के लिए इफेक्ट मिल जाता है। बट ये इफेक्ट ना आपको तभी दिखेगा जब हम सॉन्ग्स प्ले करेंगे। वैसे मैं दिखा देता हूँ कि इस पर हमें 6 पैटर्न मिल जाते हैं। आगे मैं दिखा दूंगा वैसे आपको डिटेल में टेस्ट करा के। ये देखिए लाइट्स को ऑफ भी कर पाएंगे, बाकी हमें 6 पैटर्न मिल जाते हैं इस पर। यहाँ पर गाइज हमें फ़ोन होल्डर भी मिल जाता है, सो हम अपने फ़ोन को इस तरीके से रख सकते हैं। आप इस पर टैब भी रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ का है। देखिए हमारे फ़ोन के बाद भी इतनी स्पेस और बच जाती है, तो मतलब 10 इंच का टैब भी आप रख पाएंगे एंड इस तरीके से भी आप रख पाएंगे। गाइज सामने की तरफ से जैसा कि हमें लाइट इफेक्ट तो मिलता ही है, साथ में हमें ड्राइवर्स भी सामने की तरफ से मिलते हैं। 2 इसमें हमें 10-10 इंच के ड्राइवर मिल जाते हैं। साथ में हमें ट्यूटर भी मिल जाता है एक, जो कि 20 वॉट का है। बाकी गाइस अगर आपको थोड़ी और डिटेल देखनी है तो मैं इसके यूजर मैनुअल से स्पेसिफिकेशन वाले पार्ट को स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। सामने की तरफ से हमें मेटल की ग्रिल इस पर मिल जाती है। अगर हम ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हमें प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी इस पर देखने को मिल जाती है, बट फाइन क्वालिटी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि यार बिल्कुल चीप क्वालिटी है। अब हम थोड़ा सा इसके बैक साइड को भी डिटेल पे देख लेते हैं। बैक साइड पर देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी पावर कॉर्ड कनेक्ट होगी जिससे हम स्पीकर को चार्ज भी कर पाएंगे एंड पावर के थ्रू भी बजा पाएंगे। साथ में थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर हमें मिल जाती है पावर सप्लाई रिलेटेड, तो इस चीज को भी आप देख लीजिए। बैक साइड पर ही देखिए हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है जहाँ से एयर पास होगी एंड इस पर हमें प्रोटेक्शन भी लगा हुआ मिल जाता है। एंड नीचे से ही देखिए हमें 2 व्हील्स भी लगे हुए मिल जाते हैं। गाइज अगर हम बॉटम की बात करें तो हमें 2 स्टैंड मिल जाते हैं, साथ में हमें रबर पैडिंग भी लगी हुई मिलती है इस पर। गाइज हमने आपको स्पीकर तो डिटेल में दिखा दिया है, अब मैं इसके लाइट पैटर्न्स को आपको डिटेल में दिखाता हूँ। सो इसके लिए क्या है ना, हम रूम को थोड़ा अंधेरे में रखते हैं एंड इसके आप लाइट पैटर्न्स को देख लीजिएगा। 6 पैटर्न हमें मिलते हैं, तो सारे पैटर्न्स मैं चेक करवा देता हूँ आपको।
गाइस मैंने आपको लाइट पैटर्न तो काफी डिटेल में दिखा दिया है एंड देख लीजिए हमने अपने फोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिए। सबसे पहले मैं आपको इक्वलाइजर को एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। रिमोट कंट्रोल पर देखिए हमें इक्वलाइजर का बटन मिल जाता है। सो यहाँ पे से हम इक्वलाइजर बैंड्स को एडजस्ट कर पाएंगे। सो मैं सारे बैंड्स आपको टेस्ट करा लेता हूँ। हेडफोन्स का यूज करिए। तो गाइस मैंने इक्वलाइजर बैंड भी टेस्ट कर दिए हैं। पर्सनली मुझे जैज बैंड जो है वो बेस्ट लगा है। अब आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आप लोगों को कौन सा वाला इक्वलाइजर बैंड बढ़िया लगा है। चलिए अब इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलता है। बाकी इस मॉडल का जल्दी हिंदी पे भी साउंड टेस्ट आ जाएगा इंस्टाग्राम पर। सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं। यार हमने आपको इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराई। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार परफॉर्मेंस कैसा लगा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना तो गाइज ये स्पीकर ना बहुत ही ज्यादा लाउड है। मतलब इस रेंज में इतने लाउड स्पीकर हमने टेस्ट नहीं करे। आप सोच लीजिए कि यार किस लेवल की लाउडनेस हमें मिल जाएगी। मतलब हम अपने स्टूडियो पे मैक्स वॉल्यूम पर म्यूजिक नहीं सुन पा रहे हैं। कानों में चुभने लग जा रही है, इतनी ज्यादा लाउड साउंड है इस स्पीकर की। अगर मैं बात करूं क्लियरिटी की तो क्लियरिटी गाइस मुझे डिसेंट ही लग रही है। मतलब कि अभी तक साउंड क्रैक तो नहीं कर रहा है, डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा लंबा यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सॉन्ग्स इस पर प्ले करके देखेंगे तब पता लगेगा कि यार कितना डिस्टॉर्शन है कितना नहीं है। अगर हम बात करें गाइज बेस क्वालिटी की, सो अगर आप लोग डीप बेस के शौकीन है तो वो चीज तो आपको नहीं मिलने वाली है इस पे। अब आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा JBL से इसका एक कंपैरिजन कर देंगे डीप बेस वाले सॉन्ग्स को प्ले करके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी हाँ धमक स्पीकर पर जरूर है। मतलब कि एक पार्टी स्पीकर का जिस तरीके का साउंड होता है ना तो उस तरीके का तो है इसमें, बट डीप बेस नहीं मिलेगा। ये स्टार्टिंग में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग वीडियो में आपकी क्लियर कर दे रहा हूँ ये चीज़। तो चलिए अब इसकी माइक क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस पर हमें 2 वायरलेस माइक मिल जाते हैं, UHF माइक हैं, तो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं इनकी। हेलो हाय गाइस, क्या हाल चाल है। माइक क्वालिटी तो यार बढ़िया हमें मिल जाती है, मतलब प्रीमियम है। अब मैं थोड़ा सा एको बढ़ा के देखता हूँ। हेलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। बहुत साउंड बहुत ही लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड। हेलो क्या हाल चाल है। इसको कभी कर लेते हैं एको, तो एको को हमने कम कर दिया है। एंड अगर आप लोग सिंगिंग के हिसाब से देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, कोई भी कमी नहीं आएगी। साथ में 2 माइक मिल जाते हैं वायरलेस पे, 2 वाइड वाले माइक भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो एट अ टाइम आप 4 लोग सिंगिंग कर पाएंगे इकट्ठा में, तो ये एक एडवांटेज इस पर मिल जाएगा। साथ में गिटार को भी कनेक्ट कर पाएंगे। गाइस माइक क्वालिटी तो हमने आपको काफी अच्छे तरीके से टेस्ट करा दी है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, क्योंकि ये स्पीकर हमें इनबिल्ट बैटरी के साथ देखने को मिलता है एंड इस पर हमें 8 आवर्स का प्ले ऑन टाइम मिल जाता है। गाइज इस पर हमें 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। मतलब बैटरी के अकॉर्डिंग ये स्पीकर बढ़िया होने वाला है। 7000 mAh की बैटरी मिलती है। स्पीकर को चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 6.5 घंटा में ये स्पीकर फुल चार्ज होगा, बट आपको प्लेबैक 8 आवर्स तक का मिल जाएगा। मैक्स वॉल्यूम में तो कमी मिलेगा, बट ये साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए, 7000 mAh की बैटरी के हिसाब से देखा जाए
तो ठीक है, परफॉर्मेंस यहाँ पर कम नहीं दे रहेगा है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। गाइस, बहुत मेहनत लग जाती है यार इतने बड़े बड़े स्पीकर को अनबॉक्स करने में, रिव्यू करने में। बस यार आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कैसे कर सकते हैं सपोर्ट? चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके। गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।